देखिए, आज यहाँ पे नारनौंद में जो 13 फरवरी को दिल्ली कूच का आंदोलन है, देश भर के किसान संगठनों ने अपनी 3 मेजर मांगों पे दिल्ली कूच का ऐलान किया 13 फरवरी को। उसी के संदर्भ में यहाँ पे चर्चा हुई और उसकी तैयारी के लिए, 13 फरवरी के दिल्ली कूच की तैयारी के लिए 3 फरवरी को नारनौंद की अनाज मंडी में किसानों की महारैली रखी गई है, जिसमें देश भर से किसान नेता भाग लेंगे। उसी के बारे में विचार चर्चा आज नारनौंद के बड़े क्रांतिकारी साथियों के साथ करी गई है। और जो हमारा 13 फरवरी को दिल्ली कूच का आंदोलन है, उसकी जो प्रमुख मांगे हैं, सबसे पहली मांग ये है कि भारत सरकार एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बनाए और वो एमएसपी भी स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के अनुसार होना चाहिए। और इन दोनों चीजों का वादा प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने किए हुए वादों को ही वो भूल गए। दूसरी जो बड़ी मांग है, देश के किसान मजदूरों का संपूर्ण कर्जा माफ किया जाए। और तीसरी जो बड़ी मांग है वो ये है कि जो भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव करके जो आज किसानों की जमीन देश भर में लूटी जा रही है, वो सारे अमेंडमेंट वापस लिए जाए और पुनः 2013 वाला कानून पूरे देश में लागू किया जाए। इसके अलावा हिसार में सेक्रेटरिएट के सामने स्थानीय मुद्दों पे 72 गांवों के पेंडिंग मुआवजे के मुद्दे पे 3 जनवरी से अनिश्चितकालीन पक्का मोर्चा लगाया हुआ है, उसको मजबूत करने को लेके भी आज यहाँ पे विचार चर्चा हुई ग्रामीणों से। और सबने ये आश्वासन दिया कि जो भी ये कार्यक्रम है, चाहे हिसार का पक्के मोर्चे की बात हो या फिर 3 फरवरी को नारनौंद के अनाज मंडी में होने वाली महापंचायत महारैली की बात हो या 13 फरवरी के दिल्ली कूच की बात हो, उन तमाम कार्यक्रमों में पूरा इलाका बढ़ चढ़ के भाग लेगा और सरकार को दोबारा से घुटने टेकने में मजबूर किया जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।